एक विचार, अपनों की तरक्की के लिए कुछ करने की भावना, किसी फौजी पलटन की मेहनत और गांव वालों की ढेरों दुआओं से बना है ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बुधवाल। बुधवाल अखनूर क्षेत्र की खौर तहसील का एक छोटा सा गांव है, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बुधवाल गांव में बना हुआ ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, जिसके 4 कमरे कुछ महीनों पहले तक सुनसान और खामोश हुआ करते थे, लेकिन अब इनमें मुस्कुराहटें हैं, इनमें फक्र है, किलकारियां हैं, हुनर है। ये इमारत अब मायूस नहीं है, ये गर्व से मुस्कुरा रही है। मुस्कुराए भी क्यों, इन्होंने पिछले चंद दिनों में ही 50 से भी ज्यादा जिंदगियां जो बदल डाली। हम भी, हमारा घर भी उसके कारण ही चलता, लेकिन सर बड़ा अच्छा लग रहा है। हम तो कभी बाहर गए नहीं, लेकिन फौज हमारे गांव में आ गई हमें दिखाने के लिए कि हम ये वाले फंक्शन करती हैं, जब कि गांव के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये तो घर में भी, लेकिन सर जो हम यहाँ सीख सकते हैं वो घर में नहीं सीख सकते ना। नारी शक्ति का एक नया अर्थ इस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बुधवाल ने सिखा दिया है सबको, कि हर नारी में एक अनूठी शक्ति जरूर होती है, और जरूरत होती है बस उसे पहचानने की, और उसके लिए ही तो निरंतर भारतीय सेना कार्यरत रहती है। हम बहुत ही खुश हैं, हमारी गांव की बहनें बहुत ही खुश हैं कि हमारा गांव बॉर्डर के पास पड़ता है, और आर्मी वालों ने हमारे गांव के पास ये सुविधाएं शुरू की है, और हम जैसे हमें पहले कुछ भी नहीं आता था, अब यहाँ से सीख के हमने ये स्टिचिंग करना सीखा है। अच्छे पहले से तो हमें कैंची भी नहीं चलाना आती थी, अब हम स्टिचिंग भी कर रहे हैं। मैं VTC में इंस्ट्रक्टर हूँ, और मैंने 15 लड़कियों को ये काम सिखाया है ब्यूटी पार्लर का। अब यहाँ से सीखकर जो कुछ लड़कियाँ अच्छी थी सीखने में, वो अच्छे से सीखा उन्होंने, अब जहाँ से सीखकर वो घर में अपनी दुकानें चला रही हैं ब्यूटी पार्लर की। भारतीय सेना जहाँ एक ओर शत्रु के समक्ष अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तैयार होती है, वहीं दूसरी ओर प्रत्येक भारतवासी को उसके अंदर छिपी हुई एक शक्ति के दर्शन कराने के लिए भी तो कार्यरत रहती है। बहुत ही अच्छा लगा है, आपने इतना कुछ किया है हमारे गांव के लिए। इसी श्रृंखला में भारतीय सेना की ओर से ये छोटी सी भेंट हमारे प्यारे गांव वासियों के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बुधवाल। जय हिंद।